नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्टफ शिमला मिर्च अलग तरीके से। स्टफिंग शिमला मिर्च बनाने के लिए आज मैं नए ढंग से बना रही हूँ शिमला मिर्च। उसको मैंने बीच में से काट दिया है। इसके बीच में से ये सारा मैं पार्ट ऐसे ऐसे करके निकाल दूंगी। ये काट के चाकू से इसको खाली कर लूंगी। उसके लिए भरने के लिए सामग्री हमें चाहिए 4 आलू, 1 बड़ा प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं आलू मैश कर रही हूँ। इसको हाथ से मैश करके हमने अच्छी तरह से इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरह से इसको मैश कर देना है। अब डालेंगे हम इसमें एक कटा हुआ प्याज। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये रेडीमेड ही है। अब इसमें डालेंगे मिर्ची 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा डालेंगे इसमें काली मिर्ची का पाउडर। अब डालेंगे आमचूर। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई है, उसे आप ज़रूर देखना। घर का बना हुआ आमचूर, ये बहुत बढ़िया और प्योर है, रखना पड़ता है। अब ये हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम, ये देखिए ये बनके तैयार है बराबर। अब इसमें हम तड़का लगाएं 1/2 चम्मच जीरा, क्योंकि हमने पहले भी इसमें डाल दिया है। और डालेंगे 1/2 चम्मच सरसों, थोड़ा सा हींग डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। अब डालेंगे हम थोड़ी सी कलर के लिए देखिए मिर्च, बस हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसको आलू में डाल देंगे। ये मसाला हम इसमें डाल देंगे। खाली कर लिया है बिल्कुल। अब इसमें अच्छी तरह दबा के भरेंगे फुल, ये नहीं कि थोड़ा सा डाला, नहीं, इसको उंगली से अच्छी तरह किनारों तक पहुंचाना है, दबा दबा के भर देना है। ये देखिए ये नए ढंग से बन रही है, नहीं तो हम ऊपर से काट के भरते हैं, ये मैंने साइड से भर। इससे ये शिमला मिर्च भी साबुत रहती है और खाने में भी अच्छी लगती है, दिखती भी अच्छी है। ये देखो शिमला मिर्च भर के तैयार है। मैंने इसको खूब दबा दबा के भरा है फुल उसमें। अब इसको तेल में डालेंगे। देखो इसके लिए ज़्यादा तेल नहीं चाहिए, सिर्फ शैलो फ्राई करनी है। इसमें 2-3 चम्मच आप ऑयल डाल दो। और गैस मैंने तेज कर दिया है और अब एक एक करके इसमें हम डालेंगे। आप ऐसे बनाओगे सब एक ही जगह 2-2 रोटियां खाएंगे। अब इसे ऐसे उठाएंगे और इसको उल्टा रखते जाएं। ये मेरे बेटे ने गोल गोल काट दिए, ऐसा इसको ऐसे ही भरा, इसलिए मैंने ऐसे भर दिया। ऐसे करके सारे में तेल घुमा दीजिए। इसको तब तक नहीं छेड़ना जब तक ये पक ना जाए अच्छी तरह से। मेरी शिमला मिर्च एक तरफ से पक गई थी और मैंने इसको टर्न कर दिया। देखो कितनी गोल्डन ब्राउन आ गई है, देखने में बहुत सुंदर लग रही है। शिमला मिर्च बनके तैयार है। अब इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाए। हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि हमने आमचूर पहले डाला हुआ है। ये हमारी भरमा शिमला मिर्च बनके तैयार है। देखो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख के बताएं कि आपको ये शिमला मिर्च कैसी लगी।